आज हम पहुंचे हैं दिनमनपुर उत्तरी और मुखिया उम्मीदवार हैं तलात फरीदा, निवेदक डॉक्टर परवेज आलम जो कि समाज सेवी हैं। इनसे हम जानते हैं कि राजनीति में आने का इनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले मेरा धन्यवाद देना चाहते हैं मीडिया कर्मी को जो मेरे गांव तक चल के आए हैं। यहाँ जो है विकास क्या हुआ है, साथ निश्चय ज़मीन पर आया कि नहीं आया, आज तक उतरा ही नहीं, जो उतर रहा आप भी अपने नज़र से देख रहे हैं। इसीलिए हमने फैसला लिया है कि अपना प्रैक्टिस छोड़कर राजनीति करना है सेवा के भावना से। लेकिन आपका जो पेशा है वो तो डॉक्टरी का है और राजनीति में जब आप आए हैं तो क्या लगता है कि आपके आने के बाद विकास होगा? बिल्कुल, ज़मीन पर विकास होगा और गरीब गुरबा का जो भी शोषण हुआ है उसको हमने देखेंगे और जो सरकारी लाभ आएगा और जो अपने तरफ से भी होगा। और सेवा करते आए हैं 5 साल से, पिछले 5 वर्ष पहले 100 वोट से हम हारे थे, विगत 5 साल पहले, जो हमारे जनता से भी पूछ सकते हैं कि हारने के बाद हम क्या सेवा किए। नीतीश सरकार की बहुत बड़ी योजना है ये 7 निश्चय योजना, इसको धरातल पे कैसे और किस तरीके से आप अपने पंचायत में विकास की ओर बढ़ाइए? अगले मुखिया जो नहीं लाए हैं उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के ईमानदारी से लाएंगे। मतलब इससे पहले जो वर्तमान मुखिया थे आपके, उनके द्वारा कुछ भी विकास का काम, ऐसा कुछ विकास का काम तो हुआ होगा? वो जनता बताएगी, कुछ नहीं हुआ। एक सवाल और रहेगा आपसे कि पंचायत के अंदर महिलाओं के लिए रोजगार का आप कैसे अवसर लाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले बच्चे लोग हमारे पंचायत के बर्बाद हो रहे हैं, शिक्षा पर सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा। दूसरा महिला के साथ जो उनके साथ वृद्धा पेंशन हुआ और जो सारा सुविधा है वो सारा मुहैया कराएंगे। भ्रष्टाचार पंचायत में एक बहुत बड़ा जंग है, इसको कैसे आप खत्म कीजिएगा? सबसे पहला मेरा मुद्दा वही है, भ्रष्टाचार खत्म करना, बिल्कुल खत्म। आपका पंचायत आदर्श पंचायत की ओर कब लेके जाइएगा? जनता हमको समर्थन देगी तो आदर्श पंचायत हो जाएगा। अभी एक समस्या है, कोरोना को लेकर के जितने भी प्रवासी मजदूर थे लौट कर आए थे, उनको मनरेगा में काम मिला है या नहीं मिला है या उसी तरह की स्थिति? अगले मुखिया कुछ दिए नहीं है, वो जनता से मजदूर से पूछिए, बहुत सारे मजदूर हैं और कुछ नहीं मिला हमें। अब अगर हमको जनता मौका दिया तो सारे गरीब को रोजगार मिलेगा। आज युवाओं में नशाखोरी और पलायन जैसी उत्कृष्टा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग जो पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं मजदूर काम करने, उसके लिए आप क्या सोचें? अगर हम बन गए तो लगभग पंचायत के 75% लोग यहाँ मनरेगा में काम करेंगे। सपोज कीजिए जनता ने आपको 5 साल मौका दे दिया पंचायत चलाने का, तो ऐसा कौन सा काम आप कीजिएगा जो पिछले मुखिया नहीं कर पाए? सबसे पहले शिक्षा, दूसरा 7 निश्चय को जमीन पर उतारना है, मतलब धरातल पर। कोई ऐसा काम नहीं जैसे सड़क नाले है ना, इस सब पर पूरा ध्यान देना है। स्कूल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदर्श पंचायत बनाएंगे ही, बात कन्फर्म है। जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि हमको सेवा करने के लिए एक बार मौका दिया जाए। दिनमनपुर के उत्तरी पंचायत के जनता कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो उनके साथ हम भी कदम पे कदम चला के साथ चलेंगे। चुनाव चिन्ह 3 नंबर पे है, कलम और दबाव छाप। आप लोग किन की रैली में आए हैं? डॉक्टर परवेज आलम। क्या ऐसा क्या नजर आया इनमें? इनमें बहुत सी खूबी हम पाते हैं और गरीबों का ये सेवा किए 5 साल। अच्छा, इसी बिना पे हम लोग इनका कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। पहले वाले मुखिया जी ने सेवा नहीं किया? नहीं, देखने के बाद हम लोग के मोहल्ले में देखने के लिए बढ़ गया कि जिंदा है। 5 साल कहाँ गए? हम लोग को वो बोले कि आप लोग वोट नहीं दिए हैं, आप लोग सीधा ऐसा बोला गया। मतलब इस बार आप लोग परिवर्तन की दिशा में निकल रहे हैं? मतलब ऐसा कोई विकास का काम नहीं हुआ क्या? हम लोग का तो नहीं, जो भी विकास का काम है आप लोग अपनी नजर से देख लीजिए कि हमारे इधर विकास क्या हुआ है दिनमनपुर पंचायत में।
हमारे हमारे दिनमन पुत्री पंचायत एक एक करके बोलिए बताइए क्या आपके पंचायत में विकास हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सड़कें नहीं बनी, नाला नहीं बना, पानी का लाभ मिला कि नहीं? जल नल सरकार की बहुत बड़ी नल मिला है, कभी देता है कभी नहीं देता है, कभी देता है कभी नहीं देता। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? करवन माझी नाम है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नूर आलम। आपका भाई? नुमान अली। चलिए ये देख लीजिए दिनमनपुर की जनता है जो कि परिवर्तन की ओर बढ़ चुके हैं जी। बिल्कुल, हम लोग का नारा यही है सर।